सो हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर एक व्हाइट बोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो है ना। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे मेरे पीछे लगा है व्हाइट बोर्ड। सो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ की बात करूँ तो लगभग 8x4 है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अब तक हमेशा पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है व्हाइट बोर्ड। तो फ्रेंड्स, इसकी व्हाइट बोर्ड की मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 7000 है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं पीछे साइड की बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड में इसमें लगा है एक ग्रीन ग्रीन माइका, और इसकी फ्रंट साइड में जिस साइड में आपको दिखा रहा हूं इस साइड व्हाइट माइका लगा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। और साइड की बात करूँ तो लगभग साइड में हमारा जो सिल्वर का पट्टी होता है, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम जिसे बोलते हैं, एल्यूमिनियम का पट्टी है, बहुत ही प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इसको अपने नियर बाई प्रयागराज गया था, मैं एक्चुअली इसको प्रयागराज से मैं इसको बाई किया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रयागराज में लगभग 7000 का था। जब मैं शॉप में पहुंचा तो शॉप के ओनर से बात हुई मेरी। शॉप के ओनर ने बताया ये कई क्वालिटी के आते हैं, और इसमें प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत लो भी है, बहुत हाई प्राइस भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस 7000 का जो बोर्ड है इसको मैंने चूज कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या क्या प्राइस के आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये व्हाइट बोर्ड लगभग 3000 से स्टार्ट होकर के लगभग ये आपको 10000 तक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि जब पैसा लगता है हमारा तो उसी हिसाब से क्वालिटी हमें मिलती है। सो फ्रेंड्स, लगभग 7000 के अंदर मुझे ये व्हाइट बोर्ड में काफ़ी सारे फीचर मिल गए, बहुत सारा ज़्यादा क्वालिटी है। क्योंकि जब मैं इसमें हम मार्कर को चलाते हैं, जब हम मार्कर को चलाते हैं इसमें कुछ भी राइट करते हैं, सो फ्रेंड्स वो इजीली राइट होना चाहिए और इजीली इसमें मिट भी जाता है। इसके साथ साथ मुझे दो मार्कर मिले हैं, आपको उनको भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके साथ में मुझे दो मार्कर मिले हैं जो कि ये रेड है फ्रेंड्स, और ये मुझे ब्लैक मिला हुआ है, और इसके साथ में एक डस्टर मिला हुआ जो इसको मिटाने के लिए ये मिला हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ इतनी ऐसी सीरीज मिली हुई है मेरे को। अभी मैं इसमें राइट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या फीलिंग्स आती है। वैसे जब मैं इसमें राइड करता हूँ तो मुझे काफ़ी कूल फीलिंग्स आती है। सो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ राइड करके देखता हूँ किसमें कैसे क्या फीलिंग्स आती है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। और फ्रेंड्स, इसको भी मैं मिटा के दिखाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसको मैंने रेड चलाया था, हो सकता है आपको दिखता ना हो, मैं इसमें एक बार ब्लैक चला के देख लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे मैंने इसमें ब्लैक मार्कर भी चलाया, जैसे चलाने में इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बहुत ही। और फ्रेंड्स, अभी मैं इसको मिटा करके देख देता हूँ इसी डस्टर के माध्यम से कि ये कैसे मिटता है। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से इसकी इसमें राइड भी किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसमें मिटाया भी जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके पहले जब जो मेरे पास सो फ्रेंड्स, मैं इसको अभी बंद करके रख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपसे आप भी जानते होंगे इसको बंद करके रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कभी भी मार्कर आपको चलाना है तो आपको परमानेंट मार्कर कभी नहीं चलाना। फ्रेंड्स, इसमें आपको हमेशा ये व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर आता है, इसको चलाना है। और आप मार्कर के साथ साथ इंक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इंक भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है इंक, देख पा रहे ये फ्रेंड्स इंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स इंक है, इस इंक को आपको लेना होगा। सो फ्रेंड्स, इस इंक को भी ले सकते हैं आप। और इस इंक को लेते समय आपसे जो शॉप के ओनर होंगे उनसे यही कहना है कि आप हमें परमानेंट मार्कर की इंक ना दें, आप हमें व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक दें। सो फ्रेंड्स, आपको एक इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। सो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे इधर से जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है क्रैक हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये कैसे क्रैक हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जब फ्रेंड्स मैं उधर से लेके आ रहा था तो मेरे को कोई भी जो वाहन है वाहन में को नहीं मिला। तो एक जो हमारा बस होता है, बस में मैं इसको ला रहा था तो बस वाले ने क्या किया है, इसको इसके ऊपर इसको ना इसको उसके ऊपर रख लिया था, और इसके ऊपर एक साइकिल रख दिया था, जिसके कारण उसका जो पैडल होता है पैडल यहाँ पास ज़्यादा दब गया था, और यहाँ से दबने के कारण इसका जो माइका है वो ब्रेक हो गया था। इस कारण से ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है। तो आप इस प्रॉब्लम की वजह से आप मुझे कमेंट ना करें, मैं बहुत जल्द इसको ठीक कर लूँगा। और इसको ठीक करने का एक आसान सा तरीका है, जो आपके पास व्हाइट सीमेंट होती है
व्हाइट सीमेंट जो आपके घरों में लगती है, उस व्हाइट सीमेंट को थोड़ा सा ले करके उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के उसको गीला कर लेना होता है, और उस व्हाइट सीमेंट के को गीला करके इसके जो इसका जो ये हमारा ये क्रैक हो गया है, इसमें हमें आसानी से भर देना होता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या फिर आप चाहें तो इसको, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसमें दूसरा माइक है इसके ऊपर से भी चिपका सकते हैं फेविकोल लगा के। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली लाने में, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही स्मूथ है। आप चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं आपको प्रयागराज का एड्रेस बता देता हूँ। तो प्रयागराज में जो 0 रोड लाइन है उसमें एक चौक है, चौक के पास आप इसको ले सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाता है और आप वहाँ जा करके इसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं आपको किस प्राइस रेंज में किस क्वालिटी का लेना है। फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर आपको क्योंकि जब मेरे पास जो मेरा पुराना व्हाइट बोर्ड था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि वो काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था मेरे को, तो मैंने उसको लगा लिया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट किया था कि सर आपका जो ये व्हाइट बोर्ड है बहुत छोटा था। एक्चुअली जब मैं आपको कुछ भी पढ़ाता था तो फ्रेंड्स क्या होता था कि वो जब मैं कुछ भी राइट करता था, कुछ भी लिखता था या फिर बड़ी सर्किट बनाना होता था, तो उस व्हाइट बोर्ड में क्या है ना कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, कम हो जाती थी, जिस कारण से मुझको आधी सर्किट से वापस से मिटाना पड़ता था और फिर से नई सर्किट डिजाइन करना पड़ता था। सो फ्रेंड्स आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था सर आप एक व्हाइट बोर्ड लाइए जो कि बड़ा सा। सो फ्रेंड्स इसी व्हाइट बोर्ड को मैंने इसीलिए परचेस किया आपको ही पढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, सो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक सीरीज बताने वाला हूँ कि इस व्हाइट बोर्ड के लेने के बाद आपको मैं किन किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी उपकरण होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, एसी का डायग्राम क्या होता है, एसी कैसे वर्क करता है, सारा कुछ आपको मैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने का प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स और इस चैनल पे ये वीडियो फ्री में हमेशा के लिए अवेलेबल कर दूंगा, मैं हमेशा के लिए इसको फ्री में अवेलेबल कर दूंगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक आपको सीरीज बताऊंगा, सीरीज में मैं आप एक सीरीज बनाने के बाद उस सीरीज में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।